सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टॉक। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपये। जी हाँ, आप 10,000 के अंडर में कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये में मिलेगा, वैसे ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 40,000 रुपये के रेंज में भी मिल सकता है। क्योंकि जिसका जो काम है वो सारा काम सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा पावरफुल और कैमरा जो है थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, बाकी जो है उसका स्पेसिफिकेशन लगभग सेम ही होता है। तो इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा आप लोग और स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन आपको बताने वाला हूं और आगे भी बताता ही रहूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जो है स्मार्टफोन, वो है इन्फिनिक्स का हॉट 8। जी हाँ दोस्तों, इस इन्फिनिक्स का हॉट 8 जो है वो काफ़ी बढ़िया है अंडर 10,000 रुपये। उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, इन्फिनिक्स का हॉट 8 जो है काफ़ी, इसका लुक जो है काफ़ी प्रीमियम दिखता है और इसमें क्वाड कैमरा आपको देखने को भी मिल जाएगा और ये जो है कई वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में, और जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो 6.78 इंच HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा विथ पावरफुल बैटरी के साथ में, जो कि 5200 mAh की आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे 10x इस फास्टर देन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी कमाल की देखने को आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये फ़ोन अंडर 10,000 रुपये के बीच में काफ़ी बढ़िया आपको रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को भी मिल सकता है। बात करें इसके और स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो है इसका प्रोसेसर है मीडिया टेक का हीलियो G70 प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है, और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ 5200 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, और ये हल्का फुल्का गेमिंग प्रोसेसर भी है, आप इसमें नॉर्मल गेम भी खेल सकते हैं, जो कि इसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। एट द रेंज मतलब 10,000 के नीचे में आपको ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये 10,000 के अंडर में आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें अब इसके और स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे इसकी जो कैमरे की बात करें तो यहाँ पे इसका कैमरा जो है काफ़ी क्वाड कैमरा दिया हुआ है, और इसमें क्वाड कैमरा में यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा जो है आपको 8 MP देखने को मिल जाएगा, जो कि ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, जो कि बढ़िया आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। और बात करें अब नेक्स्ट मोबाइल की इसी रेंज में, तो नेक्स्ट मोबाइल है आपकी जो है यहाँ पे रेडमी 9 प्राइम, जो कि काफ़ी बढ़िया मोबाइल है 10,000 के रेंज में, आप अंडर 10,000 इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि इसमें कमाल के स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है दी हुई है। तो यहाँ पे आपको फुल HD+ IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके कैमरे की, तो कैमरे में जो है पहला कैमरा जो है 13 MP, दूसरा 8 MP, तीसरा जो है 5 MP और दूसरा 2 MP देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट जो है 8 MP आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और प्रोसेसर की बात करें या बैटरी की बात करें, तो इसमें बैटरी जो है 5020 mAh की बैटरी जो है लगी हुई है, जो कि फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीट बैकअप दे देगा, और इसका प्रोसेसर भी है जो काफ़ी बढ़िया है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर आपको थोड़ा मोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं अगर गेम आपको खेलना है या तब। और इसका प्रोसेसर जो है, इसमें प्रोसेसर जो लगा हुआ है उसमें हीलियो G80 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी गेमिंग प्रोसेसर है। तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, और ये कई कलर में आता है, स्पेस, सनराइज, फ्लेयर या ब्लैक, मिंट ग्रीन, कई कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं अंडर 10,000 रुपये के, और ये उसी कंपेरिजन में पोको M2 का है जो 11,000 रुपये के रेंज में आता है, और वहीं रेडमी 9 प्राइम जो कि आपको 9,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी इसकी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है रेडमी 9 प्राइम ऑलराउंडर टाइम। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है रियलमी नार्जो 20। जी हाँ दोस्तों, रियलमी नार्जो 20 जो है काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी कमाल की दी हुई है, और विथ फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 16:5 cm का आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी प्रीमियम है। कैमरा में यहाँ आपको 48 MP का AL ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, विथ डुअल LED फ्लैश के साथ में, विथ फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, यहाँ पे आपको उसकी ब्रांडिंग भी दी रहेगी। तो आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहते हैं अंडर 10,000 रुपये के बीच में, तो इसको परचेस कर सकते हैं विथ
6000 mAh की मेगा बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी दे रहा है रियलमी, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो आपको मेरे हिसाब से ये परचेस कर लेना चाहिए। यहाँ पे 18 वाट का टाइप सी जो है चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फास्ट मोबाइल को चार्ज कर देगा। और प्रोसेसर की बात करें तो हीलियो G85 प्रोसेसर विथ गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका प्रोसेसर जो है वो रेडमी 9i 9 प्राइम के मुकाबले दोनों जो है प्रोसेसर सेम है, और इसका प्राइस जो है 10,000 रुपये या 10,500 रुपये दे सकता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें अगर ब्रांड की, तो यहाँ पर आपको अगली मोबाइल जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी M11 मेटेलिक ब्लू, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, और यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 13+5+2+ ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। विथ फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल आपको कैमरा भी मिल सकता है, और डिस्प्ले की जो है 6.4 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की है, और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे ब्रांडिंग दी हुई है, और फ्रंट में पंच होल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं ऐसे ही फ़ोन अंडर 6000 रुपये के रेंज में भी बताऊँगा कि कौन सा आपको फ़ोन परचेस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।